بسم الله الرحمن الرحيم. कल हमने दूसरा सबक पढ़ा था जिसके अंदर हमने मुफरदात पढ़े थे रिश्तेदारियों के हवाले से। एक मुफरद जिसके हवाले से किसी ने पूछा तो वो मैं बता देता हूँ। अल-आइला, अल-आइला बोलते हैं खानदान को, और उसरा, उसरतुन, उसरतुन भी बोलते हैं खानदान को। ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो खानदान के लिए बोले जाते हैं, अल-आइलतु और दूसरा है अल-उसरतु। अल-आइलतु और दूसरा अल-उसरतु, ये दो लफ्ज़ हैं कि जो फैमिली के लिए, खानदान के लिए बोले जाते हैं। आज हमने कुछ सवालात पढ़ने हैं इन्हीं कलिमात के मुताल्लिक। मसलन हमने एक कलिमा पढ़ा था अबुन, अबुन बोलते हैं बाप को। तो अब ये अबुन, इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है, इन सवाल जवाबात में वही मुफरदात जो हमने गुज़िश्ता कल पढ़े थे उन्हीं को जुमलों के अंदर इस्तेमाल किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है अबुन, मादा यअमलु अबूका। अब मादा यअमलु अबूका का मतलब है कि आपके वालिद क्या काम करते हैं, आपके वालिद क्या काम करते हैं, मादा यअमलु अबूका। अब आपको मैंने गुज़िश्ता दरसों में भी बतलाया था कि हम इबारत एक ही पढ़ेंगे लेकिन उस एक ही इबारत से हम बहुत सी इबारतों को तकवीन देंगे और बहुत सी इबारतों को हम बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर इबारत है मादा यअमलु अबूका, तो हम इस यअमलु अबूका की जगह अखा लफ्ज भी लगा सकते हैं, मादा यअमलु अखूका, कि आपका भाई क्या काम करता है, या फिर मादा यअमलु अम्मुका, आपका चचा क्या काम करता है, मादा यअमलु खालुका, आपका मामू क्या काम करता है, या फिर इसी की जगह आप लगा दें मादा यअमलु हफीदुका, कि आपका पोता क्या काम करता है। तो देखें इबारत जुमला एक ही हमने पढ़ा लेकिन बहुत से कलिमात इस इबारत के अंदर हमने इस्तेमाल कर लिए, और अरबी का मकसूद भी यही है कि जो अरबी सीखने वाला तालिब इल्म है वो एक इबारत सीखे, उस एक इबारत के साथ वो खुद उसके अंदर ये इस्तेदाद हो कि जिसकी वजह से बहुत से मुफरदात को उस एक इबारत में वो इस्तेमाल कर ले, जैसे भी आप हजरात के सामने करके दिखलाया। और इसी के साथ आप देखें मादा यअमलु अबूका, इसका जवाब क्या है, जवाब आगे जो जीम लिखा हुआ है, जीम के बाद आगे जवाब है अभी मुवज़्ज़फ़ुन, कि भाई मेरा बाप मुलाजिम है। अब आगे एक लफ्ज़ है मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, तो अभी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन का माना ये हुआ कि मेरा बाप सरकारी मुलाजिम है, क्योंकि मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन का मतलब है सरकारी मुलाजिम। तो जवाब ये हुआ अभी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, कि मेरा बाप सरकारी मुलाजिम है। अब यहाँ पर बाप की जगह आप कोई और भी ला सकते हैं कि अभी की जगह अखी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, या फिर अम्मी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, या फिर हफीदी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, या फिर अदीली मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, हमवी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन। तो ये जो हमने मुफरदात पढ़े हैं इनको इसी तरह जैसे सवाल के अंदर हमने इस्तेमाल किया जवाब के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला लफ्ज लिखा हुआ है मुहाजिर, मुहाजिर किसे बोलते हैं, मुहाजिर बोलते हैं वकील को। तो ये अब जवाब जैसे यूं बना अभी मुवज़्ज़फ़ुन हुकूमीयुन, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह इसका जवाब यूं भी बन सकता है अभी मुहाजिरुन, कि मेरा बाप वकील है, अखी मुहाजिरुन, अखी मुहाजिरुन, अम्मी मुहाजिरुन। तो देखें इस तरह आप इस्तेमाल करें। और आगे है मुअल्लिम, मुअल्लिम बोलते हैं सिखलाने वाले को। ये बाबे तफील से इसमें फाइल है अल्लमा युअल्लिमु तालीम, उससे इसमें फाइल है मुअल्लिम, मुअल्लिम का माना सिखलाने वाला, इसीलिए उस्ताद को मुअल्लिम बोलते हैं, क्योंकि उस्ताद जो है वो बच्चों को तालिब इल्मों को सिखलाता है, इसलिए उसको मुअल्लिम उस्ताद बोलते हैं। तो जवाब ये भी बन जाएगा अभी मुअल्लिमुन, के मेरा बाप मुअल्लिम है यानी उस्ताद है। अगला लफ्ज़ है फलाह,
फलाह किसे कहते हैं? फलाह बोलते हैं किसान को। तो जवाब यूं भी बन गया, अभी फलाहुन, के मेरा बाप किसान है। तो देखें, इस एक सवाल जवाब में आपने बहुत सी इबारतें यूं ही बनानी है, और जब आपने अपने इजाफी वक्त में, इनफरादी वक्त में जब आप मशक करेंगी या करेंगे, तो तमाम के तमाम बिल्कुल वही कलिमात जो हमने कल पढ़े हैं, उनको आपने इसी तरह जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर कर लिया तो यूं समझे कि बहुत सा मकसूद जो अरबी, एक अरबी तालिबे इल्म को जो उनकी उसकी जिम्मेदारियों में से जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आपने पूरी कर ली। आगे पढ़ें, कम अखन लग, अख बोलते हैं भाई को, हमने कल भी पढ़ा था, और लगा, अब काफ जमीर, कि अगर काफ काफ के ऊपर जबर है तो फिर ये मुखातिब के लिए है, और मुखातिब जब मुजक्कर हो, लेकिन अगर यहां पर काफ के नीचे जेर होता तो फिर ये उस वक्त मुखातिब अगर मुहन्नस हो, तो फिर अब इसका माना क्या बनेगा? कम अखन लगा, तेरे कितने भाई हैं? अगर यहाँ लका की जगह लकी लगा दे तो फिर औरत से सवाल होगा, कम अखन लकी, के मेरी बहन तेरी कितनी, तेरे कितने भाई है? तो कम अखन लका, यहाँ पर यह सवाल भी हो सकता है, कम हफीदन लका, या कम अम्मन लका, और इसी तरह कम इब्नन लका, ये भी सवाल हो सकता है, और कम खालन लका, ये भी सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर इस जुमले में है कम अखन लका, कि तेरे कितने भाई हैं? तो आगे जवाब ये है, ली सलासतु इख्वतिन, मेरे तीन भाई हैं। अब यहाँ सलासा की जगह आप अरबा भी लगा सकती हैं, कि ली अरबातु इख्वतिन, या ली खमसतु इख्वतिन, खमसा बोलते हैं पांच को, तो यूं जवाब बन सकता है, ली खमसतु इख्वतिन, कि मेरे पांच भाई हैं, ली सित्ततु इख्वतिन, ली सबातु इख्वतिन, ली समानियतु इख्वतिन, तो जिसके जितने भाई हों वो यूं जवाब दे सकता है, कि ली सलासतु इख्वा, मेरे तीन भाई हैं, ली अरबातु इख्वा, मेरे चार भाई हैं, और देखो ली सलासतु इख्वा व अना राबिउहुम। अब इसका, इस पूरे जुमले का मतलब क्या बना, कि मेरे तीन भाई हैं, व अना राबिउहुम, और मैं उनमें से चौथा हूं। अब देखो, अब यूं बना, ली अरबातु इख्वा व अना खामिसुहुम, कि मेरे ली अरबातु इख्वा, मेरे चार भाई हैं, व अना खामिसुहुम, मैं उनमें पांचवा हूं, ये भी इसका जवाब बन सकता है, और इसी तरह ली खमसतु इख्वा व अना सादिसुहुम, कि मेरे पांच भाई हैं और मैं उनमें छठा हूं, तो ये जवाब बन सकता है। और इसी तरह अगला जुमला देखें, कम खालतन लका, खाला आपको बतलाया था कि खालुन बोलते हैं मामू को, और खाला उर्दू में भी हम खाला के लिए खाला ही लफ्ज बोलते हैं, और अरबी में भी खाला को खाला ही बोलते हैं। तो सवाल ये है, कम खालतन लका, कि आपकी कितनी खालाएं हैं? तो जवाब ये होगा, ली सलासु खालात, मेरी तीन खालाएं हैं, ली अरबाउ खालात, मेरी चार खालाएं हैं, ली खमसु खालात, मेरी पांच खालाएं हैं। तो जैसा सवाल हुआ उसके मुताबिक वैसा ही जवाब बनाया जा सकता है। आगे अगला सवाल है, ऐना, ऐना का मतलब है कहाँ। तो अब ऐना अबू का, आपके वालिद कहाँ हैं? आगे जवाब बन गया, अभी फिल मकतब, या मेरा, मेरे वालिद दफ्तर में है, मकतब दफ्तर को भी बोलते हैं, या फिर अभी फिल मदरसा, मेरे वालिद मदरसे में है, अभी फिल मस्जिद, मेरे वालिद मस्जिद में है, अभी फिल सूक, मेरे वालिद बाजार में है, अभी फिल हानूत, मेरे वालिद दुकान पर है। तो जैसा सवाल होगा मौके की मुनासिबत से, उसका जवाब इन कलिमात और इन इबारात, इन जुमलों की मदद से, मौके की मुनासबत और मौके के महल के मुताबिक जवाब बनाया जा सकता है, और मकसूद भी यही है। तो ये बात समझ आ गई होगी अल्लाह ताला की तौफीक से। आगे देखें, अल इबारातुल मुफीदा, इसका मतलब है मुफीद इबारतें, मुफीद जुमले। ये भी जो हमने गुज़िश्ता कल मुफरदात पढ़े थे, उन्हीं मुफरदात के मुताल्लिक ये जुमले हैं, ये इबारतें हैं।
तो अल इबारातुल मुफीदा, मुफीद इबारतें, उनमें देखें सबसे पहली इबारत है इबनी तालिबुन फिल मदरसा, इबनी मेरा बेटा, तालिबुन फिल मदरसा मेरा बेटा मदरसे का तालिब इलम है या मदरसे में इलम हासिल करने वाला है, मफहूमी अतबार से ये माना भी बन सकता है। अब यहाँ इबनी की जगह आप अखी लगा दें, अखी तालिबुन फिल मदरसा, या फिर लगा दें इब्नु अखी यानी मेरा भतीजा, इब्नु अखी तालिबुन फिल मदरसा, या यूं कहो इब्नु इब्नु उख्ती तालिबुन फिल मदरसा। तो मौके की मुनासिबत से यहाँ पर भी ऐसे ही इबारत बनाई जा सकती है। आगे दूसरी इबारत है इब्नु अम्मी, हम बोलते हैं चचा को, तो इब्नु अम्मी मेरे चचा का बेटा। ताजिर, ताजिर उर्दू में भी ताजिर के लिए ताजिर का लफ्ज बोला जाता है, अरबी में भी ताजिर के लिए ताजिर का लफ्ज बोला जाता है। तो जवाब ये, सवाल ये, इब्न अम्मी ताजिरुन फिसूक, कि मेरे चचा का बेटा ताजिर है बाजार में, बाजार में ताजिर है। तो अब देखें यहाँ भी इब्न अम्मी की जगह आप कोई और लगा दें, इबनी ताजिरुन फिसूक, जैसे पहले पहले जुमले में इबनी है तो दूसरे जुमले के साथ भी ये नती हो सकता है कि इबनी ताजिरुन फिसूक, या फिर अखी ताजिरुन फिसूक, या फिर अभी ताजिरुन फिसूक, या फिर आमी ताजिरुन फिसूक, या ऐसे भी जो बहनें हैं वो ऐसे भी बोल सकती हैं जौजी ताजिरुन फिसूक, कि मेरा शोहर बाजार में ताजिर है। तो ऐसे भी जुमला बनाया जा सकता है। तो आपसे मैं बारहा अर्ज कर भी चुका हूँ और बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि सुनने वाली बहनें या भाई जितने भी हैं तमाम से गुजारिश है कि वो इन तमाम इबारतों से नई नई इबारतें बनाएं, नए नए जुमले बनाएं, ताकि आपके इलम में इजाफा हो। और असल जो इस मुख्तसर से कोरस का जो मकसद है वो मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से हमारे अंदर इस्तेदाद पैदा हो जाए, हमारे पास एक मैदान हो कि हम कैसे अरबी जुमला बना सकते हैं, एक जुमले से कैसे नया जुमला बन सकता है। तो फिर ये हमें पता चल जाए, उससे फिर फायदा क्या होगा कि इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद भी जब तक हम वो एक यानी और नया कोर्स शुरू नहीं करते, या फिर ये है कि ये तो अब 1 महीने का है, हम 3 महीने 4 महीने का जब तक कोर्स शुरू नहीं करते उस वक्त तक ऐसा होगा कि आप हजरात अपना ये जो अभी 1 महीने में पढ़े उसको जाया ना करें, बल्कि उसको इस्तेमाल करें, नए नए जुमले बनाएं, ताकि आपको दायमी तौर पर इसी का फायदा होता रहे। कि देखें असल ये जो चीज हासिल होती है ये तमरीन और मशक से होती है। जब इंसान कोई चीज सीखता है सिर्फ सीखने के बाद अगर छोड़ दे और उसकी मशक ना करे, तमरीन ना करे, तो फिर ऐसा होगा कि वो सीखी हुई चीज भूलती जाएगी। मिसाल के तौर पर इसकी सादा सी मिसाल ये है कि कोई बच्चा हाफिज बन गया या कोई बहन बेटी हाफिज बन गई, अब हाफिज बनने के बाद उसने कुरान मजीद पढ़ना छोड़ दिया तो कुछ ही दिनों के बाद कुरान मजीद वो भूल जाएगा। क्यों? इसलिए कि पढ़ा तो, लेकिन पढ़ने के बाद उसको संभाला नहीं, छोड़ दिया। इसी तरह कोई आदमी डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बनने के बाद जो उसका काम था उसने उस काम को छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ेगा रफ्ता रफ्ता तदरीजन तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता हुनैयतन, ये है कि वो उसका फन उससे जाता रहेगा। तो इसी तो आपसे गुजारिश ये करनी है कि इन जुमलों को, इन इबारतों को अच्छी तरह दोहराएं, ताकि ये है कि इनकी वजह से आपके अंदर वो इस्तेदाद और मलका पैदा हो जाए कि आप नई नई इबारतें बना सकें। आगे देखें उख्ती मुअल्लिमतुन लहा सलासतु औलादिन, मेरी बहन उस्तानी है, मेरी बहन मुअल्लिमा है, लहा सलासतु औलादिन और उसके 3 बच्चे हैं। अब यहाँ सलाता की जगह आप अरबा भी लगा सकती हैं कि लहा अरबातु औलादिन, लहा खमसतु औलादिन, लहा सित्तु औलादिन, ये मौका महल के मुनासिबत है। और उख्ती मुअल्लिमा की जगह आप यूं भी लगा सकती हैं कि उम्मी मुअल्लिमा, मेरी वालदा मुअल्लिमा है, या फिर यूं भी ज़ौजतुल अम्मी, ज़ौजतु अम्मी मुअल्लिमा, कि मेरी चची जान वो मुअल्लिमा है। तो ऐसे मौका मुनासिबत से जैसे भी आप जुमला बनाना चाहें। आगे जद्दी तबीबुन, तबीब बोलते हैं डॉक्टर को, शहीर बोलते हैं मशहूर को, कि मेरा दादा तबीबुन शहीरुन, मशहूर डॉक्टर है। जद्दी तबीबुन शहीरुन, मेरा दादा मशहूर डॉक्टर है। आगे अदीली,
आदिल का माना आपको बतलाया था कि आदिल बोलते हैं हम जुल्फ को, तो आदिली यस्कुनु फी लाहौर, इस जुमले का माना बनेगा कि हम मेरा हम जुल्फ लाहौर में रहता है। अब यहाँ पर आप आदिली की जगह कोई और जुमला लगा ले, मिसाल के तौर पर हमबुन लगा ले कि हम भी यस्कुनु फी लाहौर, अभी यस्कुनु फी लाहौर, अखी यस्कुनु फी लाहौर, इबनी यस्कुनु फी लाहौर, मुअत और कोई और जुमला खाली यस्कुनु फी लाहौर, जैसा दिल चाहे मौका मुनासिब से लगाया जा सकता है। आगे है बिनती तालिबतुन फिल कुल्लिया, कुल्लिया बोलते हैं कॉलेज को, कि मेरी बेटी, अभी जुमले का माना बनेगा मेरी बेटी वो तालिबा है कॉलेज की स्टूडेंट है। तालिबा बोलते हैं स्टूडेंट को, और तालिब अगर कोई लड़का है तो उसके लिए बोला जाएगा कि स्टूडेंट तालिब। तो तालिबा फिल कुल्लिया, कुल्लिया बोलते हैं कॉलेज को। अब यहां पर भी आप मदरसा लगा लें, बिनती तालिबतुन फिल मदरसा, बिनती तालिबतुन फिल कुल्लिया, जैसे आपका दिल चाहे। जौजी आलिमुन, आगे जौजी आलिमुन कि मेरा शोहर आलिम है, यहाँ और लगा सकते हैं अभी आलिमुन, इबनी आलिमुन, और जो आपका दिल चाहे जैसे इसी तरह बनाया जा सकता है। आगे अम्मी कातिबुन व खत्तातुन, कातिब का माना होता है लिखने वाला, और खत्तात बोलते हैं पेंटर को, जो जिसकी लिखाई अच्छी हो और अच्छे अंदाज में खुशखती जो जानता हो उसको बोलते हैं खत्तात। तो है अम्मी कातिबुन व खत्तातुन, मेरा चचा कातिब है और खत्तात भी है। अब कातिब का माना भी एक ही है तकरीबन, यानी कातिब का लफ्ज खत्तात के लिए भी बोला जाता है, खत्तात का लफ्ज कातिब के लिए भी बोला जाता है, तो दोनों यानी माना ठीक है। खाली मुहंदिसुन, मुहंदिस बोलते हैं इंजीनियर को। अब मुहंदिस की जगह आप आलिम लगा लें, या खत्तात लगा लें, या फिर तबीब लगा लें, या अगर मुहंदिस को ऐसे ही रखें मुहंदिस से पहले खाली है तो अभी लगा लें, अभी मुहंदिसुन, इबनी मुहंदिसुन, जद्दी मुहंदिसुन, उम्मी मुहंदिसतुन, उख्ती मुहंदिसतुन, जौजी मुहंदिसुन, जैसे दिल चाहे लगा ले। आगे है उम्मी रब्बतु बेतिन, रब्बा युरब्बी तरबिया, परवरिश करना, यह है उम्मी मेरी वालदा, रब्बतु बेतिन घर की परवरिश करने वाली है। जैसे बोलते हैं कि असल में जो वालदा होती है माँ होती है, माँ ही घर की सरपरस्त और घर की तरबियत करने वाली होती है, इसलिए कहा जाता है कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, कि बच्चा सबसे पहले जो चीज सीखता है वो वालदा से सीखता है। इसीलिए किसी ने कहा कि भाई जब वालदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला जैसी हो तो फिर बेटे हुसैन जैसे पैदा होते हैं। तो अगर वालदा नेक होगी, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होगा, नमाजियों नमाजों की पाबंदी होगी, शरीयत के अहकाम की पासदारी होगी, तो फिर उसका असर औलाद पर भी पड़ता है। हमने अपने कितने बड़े अकाबिर के हवाले से सुना कि भाई वो जब पैदा हुए तो कुरान मजीद के हाफिज थे, उसकी वजह क्या, वजह ये थी कि जब बच्चा पेट में था वालदा कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी, कसरत से कुरान मजीद पढ़ा करती थी, अब कुरान मजीद का नूर उस बच्चे के दिल के अंदर भी दाखिल हो गया वालदा के पढ़ने की वजह से। वालदा नेक थी, अच्छे अमाल किया करती थी, बेटा पैदा हुआ तो उस बेटे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तखलीकी एतबार से वो सिफात रख दी। तो ये वालदा का औलाद पर असर होता है। तो जुमला ये है अम्मी रब्बतु बेतिन, मेरी वालदा घर की तरबियत करने वाली है। आखिरी जुमला इब्नु अम्मती, मेरी फुफ्फु की का बेटा सालिहुन नेक है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है कि इनको अच्छी तरह याद करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला आपको ये याद भी करवा दे और कामिल तौर पर इस सबक से इस्तफादा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।